नगर निगम रुद्रपुर जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए चौपाल लगा रहा है। शहर के जगतपुरा, संजय नगर खेड़ा और ट्रांजिट कैंप में स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें सामाजिक संस्था के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जैविक कचरा, सूखा कचरा, बायोमेडिकल कचरा के बारे में जागरूक किया। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि नगर निगम रुद्रपुर ने एक अनूठी पहल की है। निगम द्वारा नगर के सभी 40 वार्ड में नुक्कड़ नाटक, गीत और कथाओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छता और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जागरूक किया जा रहा है। देखिए, नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें नगर निगम रुद्रपुर के सभी 40 वार्ड्स में अलग अलग जगह पर लोगों को नुक्कड़ नाटक, गीत और अन्य कथाओं के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, डोर टू डोर सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करने के लिए तथा अन्य जो भी कचरे संबंधी जो समस्याएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम सभी 40 वार्डों में ये स्वच्छता चौपाल लगा रहे हैं, जिसमें अलग अलग स्वच्छता चौपालों में अलग अलग मुख्य अतिथि जा रहे हैं, संबंधित क्षेत्र के पार्षद भी प्रतिभाग कर रहे हैं। संजय नगर खेड़ा निवासी मानस बैरागी का कहना है कि नगर निगम द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से पॉलीथीन और स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, इसका सीधा आमजन पर असर पड़ा है। इससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ रही है। पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, लेकिन आज नगर निगम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जगह जगह पे लोगों को और जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक हो भी रहे और हमारा समाज पॉलीथिन मुक्त हो भी रहा है और काफी सुधार आया है। वहीं ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक देख रहे रुपेश कुमार का कहना है कि निगम का ये प्रयास सराहनीय है, इससे लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता आ रही है। स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया, इसके तहत एक नुक्कड़ नाटक दिखाया गया और नाटक के माध्यम से बताया गया कि कचरा कितने तरीके का होता है और उसको किस तरीके से कहाँ फेंका जाना चाहिए। आम लोगों को समझाने के लिए उन्हीं की भाषा में नाटक का इस्तेमाल किया गया है। गीत गाए गए हैं पॉलीथीन के खिलाफ और पर्यावरण के संरक्षण के लिए और कूड़े को गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा कितने तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई है नाटक के माध्यम से। तो निगम का ये प्रयास बहुत ही सफल है।